विधानसभा चुनाव को लेकर जैसे जैसे मतदान की तारीखें नजदीक आ रही हैं, वैसे वैसे राष्ट्रीय नेताओं की सरगर्मियां भी बढ़ गई हैं। कांग्रेस के राष्ट्रीय अध्यक्ष राहुल गांधी आज 2 दिवसीय दौरे पर छत्तीसगढ़ में हैं और अंतागढ़ के विधानसभा पंजाखुरा में जनसभा का आयोजन किया गया, जिसमें कांग्रेस अध्यक्ष राहुल गांधी एक चमकती हुई बिजली के रूप में चमके। उन्होंने कई मुद्दे पर मोदी सरकार को घेरा, जहां नोटबंदी को लेकर घेरा गया, वहीं रफेल डील को लेकर भी घेरा गया। कुल मिलाकर ये चुनावी रैली राहुल ने मोदी को पटकनी देने के लिए की और मोदी जी के हर वो वादे की पोल खोल के रख दी, जिनका ये इस चुनाव में ढिंडोरा पीटते हुए नजर नहीं आ रहे, क्योंकि इस मामले में ये विफल है। ₹33,000 करोड़ लगते हैं। आप एक साल मनरेगा चलाना चाहो, यूपीए की सरकार ने ₹33,000 करोड़ इस साल में दिए थे मनरेगा के। और आपको मालूम है कि मनरेगा ने करोड़ों लोगों की जिंदगी बदली। भाई और बहनों, ₹33,000 करोड़ लगता है मनरेगा को चलाने में एक साल। नरेंद्र मोदी जी ने अपने 10-15 उद्योगपति मित्रों को पिछले 4.5 साल में 3,50,000 करोड़ रुपए कर्जा माफ करके दिया है। प्रेस के हमारे मित्रों और यहां जो ऊपर लोग खड़े हैं, आप सबका यहां दिल से बहुत बहुत स्वागत। और पीछे जो दीवार पे लोग खड़े और इस साइड दीवार पे लोग खड़े हैं, आप सभी यहाँ बहुत बहुत स्वागत है। छत्तीसगढ़ में सालों से बीजेपी की सरकार और 5 साल से दिल्ली में नरेंद्र मोदी जी प्रधानमंत्री। छत्तीसगढ़ में ऐसे की कोई कमी नहीं, आपके पास सब कुछ है, जल है, जंगल है, जमीन है, अलग अलग तरीके की नेचुरल रिसोर्सेज है, मगर इस धन का फायदा छत्तीसगढ़ की आम जनता को, छत्तीसगढ़ की जो महिलाएं हैं, माताएं हमारी बहनें हैं जो आज यहां आई हैं, इसका फायदा इनको नहीं मिलता है। दिल्ली में नरेंद्र मोदी जी के 5-10-15 मित्र हैं और छत्तीसगढ़ में आपके चीफ मिनिस्टर के वैसे ही 10-15 बड़े उद्योगपति मित्र हैं। और काम करने से पहले, चाहे वो नरेंद्र मोदी जी हो, चाहे वो रमन सिंह जी हो, इन 10-15 लोगों से परमिशन लेके ही ये काम कर सकते हैं। छोटा सा उदाहरण देता हूं, दिल्ली में मनरेगा चलाने के लिए 33,000 करोड़ रुपए लगते हैं। आप एक साल मनरेगा चलाना चाहो, यूपीए की सरकार ने 33,000 करोड़ रुपए इस साल में दिए थे मनरेगा के। और आपको मालूम है कि मनरेगा ने करोड़ों लोगों की जिंदगी बदली। भाइयों और बहनों, 33,000 करोड़ रुपए लगता है मनरेगा को चलाने में एक साल। नरेंद्र मोदी जी ने अपने 10-15 उद्योगपति मित्रों को पिछले 4.5 साल में 3,50,000 करोड़ रुपए कर्जा माफ करके दिया है। मतलब 10 मनरेगा, 10 मनरेगा उन्होंने अपने 15 मित्रों को पकड़ा दिया। आपने नीरव मोदी, मेहुल चौकसी का नाम सुना होगा। एक व्यक्ति
बैंक से 35,000 करोड़ रुपए लेकर चोरी करके भाग जाता है, लंदन चला गया, जाने से पहले फाइनेंस मिनिस्टर से मिलता है, फाइनेंस मिनिस्टर कहते जाओ भैया लंदन जाओ मजे लो, जनता का आपने 35,000 करोड़ रुपए चोरी किया है मगर हम आपके साथ आप पर कोई कार्रवाई नहीं करेंगे। विजय माल्या का नाम आपने सुना होगा, विजय माल्या 10,000 करोड़ रुपए लेकर लंदन भाग गया, ललित मोदी अनिल अंबानी इन सब ने आपका पैसा लाखों करोड़ रुपए आपका पैसा लिया है। अनिल अंबानी को नरेंद्र मोदी ने 30,000 करोड़ रुपए का गिफ्ट दिया, एयरफोर्स को, वायुसेना को, भाइयों बहनों वायुसेना को देश की रक्षा करने के लिए हवाई जहाजों की जरूरत थी, यूपीए सरकार ने कहा था 126 हवाई जहाज खरीदेंगे, 526 करोड़ रुपए एक हवाई जहाज के लिए देंगे, और हिंदुस्तान एरोनॉटिकल लिमिटेड जो सरकारी पब्लिक सेक्टर की कंपनी है, सरकारी कंपनी है, उससे हम हवाई जहाज बनवाना चाहते थे। नरेंद्र मोदी जी प्रधानमंत्री बनते हैं फ्रांस गए, राफेल हवाई जहाज जो खरीदा जा रहा था उसका दाम नरेंद्र मोदी ने स्वयं बदला, 526 करोड़ का हवाई जहाज नरेंद्र मोदी जी ने 1600 करोड़ रुपए में खरीदा। अब आप पूछो भैया ये क्या किया, ये क्यों किया, 526 करोड़ का हवाई जहाज 1600 करोड़ रुपए में क्यों खरीदा? क्योंकि हिंदुस्तान एरोनॉटिकल लिमिटेड से कॉन्ट्रैक्ट शीट किया, नरेंद्र मोदी जी ने अनिल अंबानी को कॉन्ट्रैक्ट दिलवाया, अनिल अंबानी ने पूरी जिंदगी में हवाई जहाज बनाया, हिंदुस्तान एरोनॉटिकल लिमिटेड 70 साल से हवाई जहाज बनाए। और भाई और बहनों आपका 30,000 करोड़ रुपया आपका, हमारे आदिवासी भाइयों का, पिछड़ों का, दलितों का, किसानों का पैसा आपको पता भी नहीं लगा, आपको तो सिर्फ लाइन में खड़ा किया था नोटबंदी के समय, आपसे कहा भैया देखो काले धन के खिलाफ लड़ाई है, पूरा देश काले धन के खिलाफ लड़ेगा, नोटबंदी कर दी, 500 रुपए 1,000 रुपए रद्द कर दिया। अब मैं आपसे पूछना चाहता हूं, आप सब लाइन में खड़े थे, बैंक के सामने खड़े थे आप, कोई है यहां पे जो बैंक के सामने खड़ा नहीं था ना? क्योंकि हर एक गरीब व्यक्ति, हिंदुस्तान का किसान, मजदूर, छोटा दुकानदार, महिलाएं, बच्चे सब बैंक के सामने खड़े हुए, याद है आपको, याद है ना? ठीक है। अच्छा मैं आपसे पूछना चाहता हूं, लाइन में, यहां बस्तर में लाइन में आपको कोई उद्योगपति दिखाई दिए थे? कोई सूट पहना, टाई पहना लाइन में दिखाई दिया? कोई काले धन वाला लाइन में दिखाई दिया? क्यों नहीं दिखाई दिया? अरे भाई अगर काले धन के खिलाफ लड़ाई थी तो लाइन में हिंदुस्तान के अमीर लोग क्यों नहीं दिखाई दिए? गरीब जनता दिखी, किसान दिखा, उसको आपने लाइन में खड़ा किया, और जो हिंदुस्तान के सबसे अमीर, सबसे भ्रष्ट लोग हैं उनका पैसा बैंक के पीछे से लाइन में खड़े होके नहीं, बैंक में आकर पीछे से घुसकर एसी कमरे में उन्होंने अपना काला धन सफेद किया। आपको कहा कि काले धन के खिलाफ लड़ाई है, चलो बस्तर की जनता बैंक के सामने खड़े हो जाओ, क्या हुआ है? आप सब खड़े हुए, आपने कहा हां हम भी काले धन के खिलाफ लड़ना चाहते हैं,
हेलो, मगर काले धन वाला लाइन में एक नहीं लिखा। और बताओगे आपके जेब में जब पैसा निकला, ये जो माताएं बहने खड़ी है बैठी है, क्या हुआ है? इन्होंने पैसा बचाया था, कमाया था, इनके जेब से पैसा निकालकर आपने बैंक में डाला। ब्रेकिंग बना के दो जल्दी। भाई और बहनों, नीरव मोदी 35,000 करोड़ रुपए लेके भागा, वो आपका पैसा था। विजय माल्या 10,000 करोड़ रुपए लेके भागा, वो आपके जेब का पैसा था। ललित मोदी गया, वो आपका पैसा था। अनिल अंबानी 30,000 करोड़ रुपए, वो आपका पैसा। उससे आपके बच्चों को शिक्षा मिल सकती है। बस्तर में हाई क्वालिटी के हजारों स्कूल खोले जा सकते हैं। मेरा भी आईडी ले जाओ, स्कूल छोड़ो, उस पैसे से आप बस्तर में यूनिवर्सिटी लगा सकते, एक के बाद एक आप यूनिवर्सिटी लगा सकते। उस पैसे से अगर कोई भी यहाँ इस जिले में बीमार होता तो अस्पताल में आपका इलाज हो सकता, उस पैसे से आपको मुफ्त में दवाई दी जा सकती। मगर नहीं, आपका पैसा छीना, 10-15 उद्योगपतियों के जेब में डाला। आपसे सवाल पूछना चाहता हूं, दुनिया में पेट्रोल के दाम, डीजल के दाम गिर रहे हैं। यूपीए के समय $140 प्रति बैरल इंटरनेशनल मार्केट पे पेट्रोल का दाम हो रहा था, आज आधा हो गया, $70 प्रति बैरल हो गया। ये आपने बात समझा दीजिए, दुनिया में पेट्रोल का दाम आधा हो गया मगर हिंदुस्तान में पेट्रोल का दाम दुगना हो गया। आपके जेब में से पैसा निकलता है, जब भी आप मोटरसाइकिल में, स्कूटर में, बस में, ट्रक में पेट्रोल भरा जाता है, आपकी जेब में से पैसा निकाला जाता है और उन 15-20 लोगों की जेब में डाला जाता है। मैंने मोदी जी की बात की, थोड़ा सा मैं रमन सिंह जी के बारे में भी बोल देता हूं। चिट फंड का स्कैम हुआ, 5,000 करोड़ रुपए जनता का पैसा गायब हुआ, अलग अलग कंपनियां आई, लोगों ने अपना पैसा डाला, कंपनियां गायब हो गई, 60 लोगों की मृत्यु हुई, कोई इंक्वायरी नहीं, कोई एक्शन नहीं, कोई आपका पैसा वापस नहीं मिला। अरे भाई, किसके जेब में पैसा गया? छत्तीसगढ़ से ये थी जावेद खान की रिपोर्ट।